पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। अब मनोज सिंह काका जी, ये बात सच है कि 5 से आप लोग अगर इतने बड़े उछाल के साथ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश जीत रही है तो मुस्कुराने का दिन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बीजेपी एनडीए सरकार से जा रहे हैं। आप लोग देखिए कितना पीछे हैं, 228 पर इंडिया है, 298 पर एनडीए है, 10 सालों का एनडीए का शासन, 10 सालों का नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, उसके बावजूद ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे कि आप लोगों ने बीजेपी को सत्ता से उखाड़ दिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब कम से कम सहनवाज भाई से मैं इतना तो जरूर उम्मीद करता हूँ, बड़े भाई हैं, कि अपने 400 वाले आवरण से कम आज ये नंगा हुए होंगे। 400 का इनका दम तो टूट गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और अगर आप इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाएं, सुनिए तो अभी भारतीय जनता पार्टी 243 सीटों पर है, तो अभी नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी भी सत्ता में नहीं है। सत्ता का जो आंकड़ा है वो 272 का, इतना तो बड़े भाई जानते ही होंगे। और भारतीय राजनीति के क्षितिज पर जो आपने एक बात कहा, स्वीकारा कम से कम, मुझे खुशी है कि भारतीय राजनीतिक क्षितिज पर माननीय अखिलेश यादव जी ने भारतीय राजनीति में यह साबित करा है, उन्होंने कम संसाधनों में जिस पार्टी के सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं को जेल भेजा गया, हमारे विधायकों को प्रताड़ित किया गया, आजम खान साहब को किया गया, लेकिन भारतीय राजनीति में आज जो बाबा साहब और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, डॉक्टर लोहिया का जो सपना था उसको व्यवहारिक रूप किसी ने दिया है। और सारे जाति वर्ग के लोग अगर किसी के समावेशी राजनीति पर भरोसा किए हैं और दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी को किसी ने हराया है उत्तर प्रदेश में, तो हम समाजवादियों ने हराया है। अब मैं पूछना चाहूंगा कि 400 पार कहाँ है आपका, अब तो 300 पार भी नहीं है। अब नैतिकता के आधार पर अभी भी आपको जो इलेक्शन कमीशन वेबसाइट दिखा रही है, 243 का आंकड़ा दिखा रही है, तो सर्वप्रथम तो प्रधानमंत्री को देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। मनोज काका जी, 38 सीटें तो आ गई है समाजवादी पार्टी की यकीनन, लेकिन वो जो बीजेपी को हराने का दावा आप लोगों की ओर से किया जाता था, देखिए अगर मैं सिर्फ बीजेपी से तुलना करूं तो बीजेपी को 14 में 71 मिली थी, 19 में 62 सीटें मिली थी, ठीक है, और समाजवादी पार्टी 38 सीटें पाकर ही इतनी इतरा रही है। तो भैया जब उनसे मुकाबला करना है तो फिर बराबरी में खड़ा होना पड़ेगा ना, 14-19 के आंकड़े के कहां बराबर खड़े हैं आप। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। चित्रा, हम लोग कभी इतराते नहीं, हम लोग जनादेश को सिरोधार करते हैं। अब आप अपने सरकार पोषित पत्रकारिता से कितना नरेंद्र मोदी जी को बताएंगे, आपको ये बताना चाहिए कि 2019 में बनारस से जो नरेंद्र मोदी 6,50,000 वोटों से जीते थे, आज वो सिर्फ 1.5 लाख वोट से जीत रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल। जो नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि 300 पार, 350 पार तो सिर्फ हमारी पार्टी आएगी, 370, और बाकी में एनडीए रहेगा तब हम 400 रहेंगे, तो आप उनको 238 पर ही सांत्वना दे रही हैं, तो दीजिए। तो ये तो नरेंद्र मोदी जी का अहंकार हार गया, उनका गरूर हार गया। लवणे न भोजन। अखिलेश यादव जी का जातिगत जनगणना जीत गई, अखिलेश यादव जी का पीडीए की जो अवधारणा थी वो जीत गई, अखिलेश यादव जी का पेपर लीक पर जो सवाल था वो जीत गया, अखिलेश यादव जी का आप जैसे माताओं बहन बेटियों को जो 1 लाख रुपया सालीना देने की अवधारणा है वो जीत गई। जिस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति करी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी अखिलेश यादव के आदर्श और उनके अनुशासन के साथ नजर आए, उन्होंने अखिलेश यादव जी के प्रत्याशी को जिताया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। गजब बेइज्जती है।